गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सोनिका जैन। आज फिर से आपका मेरा सोनिका स्टडी हब चैनल साइंस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आ गई हूँ। आपको पता है नवंबर में टेट का एग्ज़ाम है, दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम है। मैं उन्हीं की प्रिपरेशन करा रही हूँ जो बच्चे टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डेली लेके आ रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टेट के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। टेट के एग्ज़ाम जिन बच्चों ने नहीं भरे हैं वो जल्दी से अपने फॉर्म फिल कर लें और सी टेट का भी कर लें। आज उन्हीं के लिए मैं करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखिए। और हाँ, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स प्ले। देखिए, मेरा पहला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूलाशंकर? और आंसर है इसका मूलाशंकर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। शंकराचार्य आदित्य, वल्लभाचार्य शूद्र आदित्य, चैतन्य विशिष्ट आदित्य या चार्वण लोकायत? और आंसर है इसका चैतन्य विशिष्ट आदित्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डखमा, चैत्य, खकवा या अगेरी? और आंसर है इसका चैत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। निजामुद्दीन औलिया कबीर मीराबाई तुलसीदास, मीराबाई कबीर निजामुद्दीन औलिया तुलसीदास, कबीर निजामुद्दीन औलिया तुलसीदास मीराबाई, तुलसीदास मीराबाई कबीर निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया कबीर, वही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद या तीर्थ स्थानों की यात्रा? और आंसर है इसका मूर्ति पूजा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? पंडुआ, बीदर, अजमेर या शाहजहानाबाद? और आंसर है इसका अजमेर। नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक, दखमा, खानकाहा या सीना गौन? आंसर है इसका खानकाहा। नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या अर्जुन देव? आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ या ज्ञानदेव? और आंसर है इसका रामदास। नेक्स्ट देखिए मेरा, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में संधि पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी, 81 32 ईस्वी, 912 ईस्वी या 1012 ईस्वी? और आंसर है इसका 712 ईस्वी। नेक्स्ट मेरा देखिए, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरकोट? और आंसर है इसका आगरा। आगरा में उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट है मेरा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? और आंसर है इसका सिना मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? एक किराया मुक्ति भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुनुदेशन, किसी मनस्वाधक या समुदेशन नगद वेतन? और आंसर है इसका जमींदारी संपत्ति। ओके, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? और मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे दर्शन में। नेक्स्ट मेरा देखिए, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सचिव, मंत्री, सामंत? और आंसर है इसका पेशवा। नेक्स्ट मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, बड़गांव
की कनेक्शन, बसीन की संधि या सलवाई की संधि? और आंसर है इसका बसीन की संधि। नेक्स्ट है, रणथंबोर क्या था? एक मुगल महल, एक राजपूत गुर्द, खिजलियों की राजधानी या बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र? और आंसर है रणथंबोर था एक राजपूत गुर्द। नेक्स्ट मेरा है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय या राम राय? विजयनगर शासक सबसे महान माना जाता है कृष्णदेव राय जी को। नेक्स्ट है, लाख बख्श की उपाधि किस किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक? और आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के या पल्लवों के? और आंसर है इसका पल्लवों के। नेक्स्ट है मेरा, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी, तराइन की पहली लड़ाई या तराइन की दूसरी लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत की दूसरी लड़ाई? और आंसर है इसका तराइन की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर? और आंसर है इसका बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है मेरा, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? आगरा, फरगाना, समरकंद या काबुल? इसका आंसर है काबुल। काबुल में अपनी इच्छा से दफनाया गया था बाबर का शव। नेक्स्ट है मेरा, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेष्य के रूप में तख्ते ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? जेरोनिमो बोरोनियो, ओमराह दानिश शखम खा, ट्रेवेनियर या ऑस्टेनॉफ? इसका आंसर है ट्रेवेनियर। नेक्स्ट है मेरा, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया? अलाउद्दीन खिजली, इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक या बलबन? और आंसर है इसका बलबन। नेक्स्ट है मेरा, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिजली, मोहम्मद शाह तुगलक या शेरशाह सूरी और अकबर? और आंसर है इसका शेरशाह सूरी। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत, फारसी तथा हिंदी लेखन का विद्वान, इतिहासकार या उपयुक्त सभी? अमीर खुसरो संगीत था और इनमें से सभी था वो। नेक्स्ट है मेरा, विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था पुर्तगाल से, मोरक्को से, चीन से या तिब्बत से? और आंसर है इसका मोरक्को से। विख्यात इबू यात्री आया था। जब भारत पर चंगेज खां के नेतृत्व में मुगलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश, बलबन, जलाउद्दीन खिजली, अलाउद्दीन खिजली? और आंसर है इसका इल्तुतमिश। नेक्स्ट और लास्ट है मेरा, बेहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी, जयपाल और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी या जयचंद और विख्यात खिजली? बेहन का युद्ध लड़ा गया था आनंदपाल और मोहम्मद गजनी के।